नमस्कार दोस्तों, पढ़ाई फॉर वीएचएल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के अंतर्गत आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि वीरता पुरस्कार से रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। और इसके अलावा न केवल हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन बल्कि DTSSB या स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के जो भी एग्जाम्स होते हैं दोस्तों, उसमें वीरता पुरस्कार से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आते हैं। और इसके अलावा एस्टेट के अंदर भी जो है पॉसिबिलिटीज हैं कि शायद इससे रिलेटेड भी कोई क्वेश्चन वीरता पुरस्कार से रिलेटेड आ जाए। तो ये चेक कर लेते हैं, वीरता पुरस्कार जो है वो जल थल और वायु तीनों सेनाओं के लिए दिया जाता है दोस्तों, और सर्वोच्च सम्मान है हमारे देश के लिए। अब बात करते हैं कि नंबर वन पे जो दिया जाता है वो है परमवीर चक्र। देखिए, परमवीर चक्र जो है कहाँ पे दिया जाता है दोस्तों, वीरता के लिए। यह भारत का सर्वोच्च वीरता चक्र पुरस्कार है, इस चीज का आपने ध्यान देना है दोस्तों। परमवीर चक्र जो है सर्वोच्च वीरता का जो है पुरस्कार है, सर्वोच्च वीरता चक्र पुरस्कार है, जो कि तीनों सेनाओं में अदम्य साहस के लिए दिया जाता है। इस पर एक तरफ इंद्रवज्र और दूसरी तरफ परमवीर चक्र लिखा होता है। सैनिक इसे अपनी कमीज पर बाई तरफ लगाते हैं, तो इस चीज का ध्यान रखना है दोस्तों पूरा डिटेल में। तो जो सोल्जर होते हैं हमारे, वो यहाँ पे इसको लगाते हैं लेफ्ट साइड में, और उसके ऊपर क्या क्या चीज अंकित होती है दोस्तों, क्या क्या लिखा होता है उस पर। एक तरफ तो इंद्रवज्र होता है और दूसरी तरफ जो है परमवीर चक्र लिखा होता है, और इसे जो है यहाँ पे बाई तरफ लगाया जाता है। जो बैंगनी कलर का रिबन होता है दोस्तों, उसे यहाँ पे इसको इस साइड में लगाया जाता है। इस चीज का आपने ध्यान रखना है, यह है परमवीर चक्र और सर्वोच्च वीरता चक्र पुरस्कार है, इस चीज का भी ध्यान आपने रखना है। नंबर दो पे आता है दोस्तों महावीर चक्र, यह दूसरा सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार है। इसमें राष्ट्र चिन्ह अंकित होता है, जो कि पांच कोण वाले सितारों के बीच में होता है, और दूसरी तरफ कमल तथा महावीर अंकित होता है उसमें। और इसमें क्या डिफरेंस है दोस्तों, परमवीर चक्र तो सर्वोच्च वीरता हो गया, और नंबर दो पे जो है ये है महावीर चक्र, और इसमें क्या अंकित होता है, इसमें राष्ट्र चिन्ह अंकित होता है दोस्तों हमारे देश का। तो ये चीज आपने ध्यान रखना है। उसमें क्या था, उसके अंदर जो है एक तरफ इंद्रवज्र अंकित था और दूसरी तरफ परमवीर चक्र था, और यहाँ पे जो है इसमें राष्ट्र चिन्ह अंकित है, जो कि पांच कोण वाले जो सितारे होते हैं ना दोस्तों, स्टार जिसको हम बोलते हैं, उसके बीच में जो है ये अंकित होता है, और दूसरी तरफ कमल तथा महावीर चक्र महावीर अंकित होता है। इस चीज का आपने ध्यान रखना है। और ये जो लिखा होता है दोस्तों कमल या महावीर, ये हिंदी या इंग्लिश में लिखा हुआ हो सकता है, इस चीज का भी आपने ध्यान रखना है। ये है नंबर दो पे महावीर चक्र की हम बात करते हैं। नंबर तीन पे जो है वो है वीर चक्र, तो यह जो है तीसरा सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार है दोस्तों। ये भी हमारे सैनिकों को अदम्य साहस के लिए दिया जाता है। तीसरा सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार है वीर चक्र। इसमें एक तरफ पांच कोण वाला सितारा तथा अशोक चक्र और दूसरी तरफ दो कमल होते हैं। इसे नीले केसरी रिबन के साथ पहना जाता है। तो दोस्तों डिफरेंसेस आप इसमें चेक कीजिए। यहाँ पे क्या है कि इसके अंदर पांच कोण वाला सितारा होता है तथा अशोक चक्र और दो तरफ कमल होते हैं दोस्तों, यानी कि दो कमल होते हैं, और अशोक चक्र का जो चिन्ह है वो अंकित मिलेगा इसमें, और साथ में आपको दो कमल इसके ऊपर होंगे, और इसे नीले केसरी रिबन के साथ पहना जाता है। इसको किस रिबन के साथ पहना जाता है दोस्तों, परमवीर चक्र को बैंगनी कलर का जो रिबन है उसके साथ पहना जाता है, और जो वीर चक्र है उसे पहना जाता है केसरी रिबन के साथ, इसको जो है पहना जाता है। किस तरफ पहनते हैं दोस्तों, यहाँ पे लेफ्ट साइड में पहना जाता है। अब उसके बाद जो है नंबर आता है दोस्तों नंबर चार पे अशोक चक्र। तो अशोक चक्र की अब हम बात करते हैं। तो दोस्तों नंबर चार पे है अशोक चक्र। देखिए, वीरता के लिए पुरस्कार है ये भी अशोक चक्र। अपनी जान की परवाह न करके अदम्य साहस का परिचय देते हुए, शांति काल में है दोस्तों ये, शौर्य उपलब्ध करने वाले सैनिक या असैनिक वीरों को प्रथम द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी के अशोक चक्र प्रदान किए जाते हैं। तो दोस्तों इसमें डिफरेंस क्या है कि ये शांति काल के दौरान का जिक्र है यहाँ पे, कि अशोक चक्र जो है नंबर चार दिया जाता है वीरता पुरस्कार के लिए। अपनी जान की परवाह न करते हुए अदम्य साहस का परिचय देते हुए शांति काल में शौर्य उपलब्ध करने वाले या तो सैनिक या असैनिक, दोनों प्रकार के इसमें हो सकते हैं दोस्तों, वीरों को प्रथम द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी के अशोक चक्र प्रदान किए जाते हैं। तो ये थे दोस्तों चार प्रकार के वीरता पुरस्कार। मैं उम्मीद करूंगा ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद है तो आप इसको शेयर करें ज्यादा से ज्यादा, आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें दोस्तों। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।